अल्ला, 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 अल्ला। नाजने ग्रामी अमु वरहुल्लि वबरकू मैं हूँ आपका मेजबान मेज़बानसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के खूसी प्रोग्राम जिक्र मेरे हबीब का वसल्लम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की एक सौ चौहत्तरवीं चो, क़स्त पेश करेंगे गुज्त किस्तों में हम मुख्तलिफ कबीलों के वफूत के आने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वम से मुलाकात के हवाल बयान करते रहे हैं इससे पहले वाली किस्त में हम बनी तय के बारे में गुफगू कर रहे थे उसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे नाजिन इस्लाम की एक ज़रूरत यह है कि वो लोगों पर अपनी अमली कामयाबी के इम्कान वाज करे और उनको मुतमिन करे कि पेश नज़र इनकलाब हो सकता है वरना आवाम का एक बड़ा अनसर उसकी दावत की सदाकत को जानने के बावजूद भी बाहर खड़ा रहेगा इस्लाम अगर तकमीली मदारज तक पहुँच जाए तो इससे लाजिमन ये नतीजे निकलने चाहिए कि माशी ज़रा व वसाइल इतनी तरक्की कर जाएँ और उनको ऐसे सही आदिलाना तरीक़ से तकसीम किया जाए कि माशरे में कोई मोहताज न रहे और फिर सियासी लिहाज से इतनी मजबूत हुकूमत पैदा हो कि मुखालफिन उसे तर निवाला ना बना सकें और फिर दाखिल अमन का मैार ये होना चाहिए कि अगर एक औरत भी मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तना सफ़र करे और इंसानी आबादियों और वानों से गुजरे तो उसकी जान इज़्ज़त और माल को किसी तरफ़ से कोई ख़तरा ना हो यही एक इस्लामी निज़ाम सल्तनत की खूबियाँ हैं वफद वफद बनी अल हर्स या बनी हारिस बिन काब ये इलाका नजरान के लोग थे इन अतराफ़ में हज़रत खालिद बिन वलीद ने दस हिजरी में बतौर खास जाकर इस्लाम की दावत दी थी उन्होंने उनके सामने ऐलान किया कि इस्लाम लाओ तो अमन पाओगे उन्होंने दावत कबूल कर ली हज़रत खालिद उनके मतखिदात और हक़ाम की तालीम और तरबियत देने के लिए कुछ अरसा ठहरे और हजूर अक्रमलम को बज़र ख़त कामयाबी की तिला दी मदीने से उस खत के जवाब में हुम गया कि वापस आ जाओ और कबीले के चंद सरकर अफराद को साथ ले आओ इस इसम की तामील की गई इस खत का जो मतन इबनिशाम ने दिया है इसमें हजरत खालिद रज़ील्ला तहरने की वजह बयान करते हुए हुजूर अक्रमल्लम के फरमान का हवाला देते हैं और इसी जिम्न में फ़िक्र आता है कि मैं उनको इस्लाम की बातें सिखाऊँ अल्लाह की किताब और उसके रसूल वसम की सुन्नत की तालीम दूँ और फिर वो बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक मैं ये काम कर रहा हूँ इस तरह दोबारा लिखा है कि दौरे सहाबा का इस किस्म का जितना रिकॉर्ड मिलता है वो सुनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के एक असासी इदारे की हैसियत से वाजिबुल कबूल बनाता है बाज़ दूसरे मकाम पर भी इस किस्म के अहम हवाले बकसरत बिखरे हुए हैं उनको जमा करने की ज़रूरत है ये कबीला अपने दौरे जाहलीत में भी कुछ अच्छे अकदार रखता था चुनाच वफद आया तो हजूर अकमल ने बातचीत के दौरान में पूछा कि क्या वजह है कि तुम लोग अपने दुश्मनों के खिलाफ मैदान जंग में हमेशा कामयाब होते रहे हो और तुम्हें कभी शिकस्त नहीं हुई उन्होंने बताया कि हम लोग किसी के खिलाफ खुद जारहाना इकदाम नहीं करते लड़ने के लिए मुजतम हो जाए तो फिर तफ्रक़े में नहीं पढ़ते बल्कि इतिहाद रखते हैं और अपनी तरफ से कभी किसी बदा नहीं करते हुकमल्लम ने उनकी खदमत अमली की तस्दीक की वफदे के एक मुमताज़ फ़र्द कैस बिन हुसैन को उन लोगों पर अमीर मुकर्र किया गया था और फिर नजर, नजरान का वफद मुसिन इंसानियत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसम ने क़लम को भी बड़े पैमाने पर ज़रिए दावत बनाया था ख़ास ख़ास लोगों को मकातिब रवाना फरमाए चुनान नजरान के ईसाइयों को भी खत खत के ज़रिए कलम हक़ पहुँचाया नामय मुबारक में एजाज मुमतना से काम लेकर पहुँचाने की बात हजू रकमल वसम ने उन लफ्ज़ों में पहुँचाई कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब आसलाम की ला महबूद के नाम से आगाज़ करता हूँ फिर उसके बाद मैं तुमको बंदों की इबादत से खुदा की इबादत की तरफ बुलाता हूँ और तुम्हें बंदों के आकई खुदा के आकाई की तरफ पुकारता हूँ अगर तुम इससे इनकार करो तो तुम पर जज़िया यानी सियासी इतहात लाजिम है और अगर इससे भी इनकार करो तो यह जंग है असकफ ने खत पढ़ा तो उसके बदन में कपकपी सी तारी हो गई उसने पहले खास खास अकाबिर को बुलाकर राय ली फिर पूरी वादी के आवाम का अजतम तलब किया वादी में तिहत्तर बस्तियाँ थी और आबादी इतनी थी कि एक लाख सिपाह निकल सकते थे बहुत भारी इज्तम मुनद हुआ इमकान अकाबिर के पेश नज़र था कि शायद ये वही आखिरी नबी मौद हैं जो बनो इसमाइल में से उठने वाले हैं मश्र आम के बाद करारदाद ये हुई कि अकाबिर का एक वफ्त मदीना जाए और साहिब मकतूब से बातचीत करे और जायज़ा ले चुनाच शर्जील अब्दुल्ला और जब्बार को खसूस से नामज़द किया गया ये पहला वफ़ था जो सियासी इत और टैक्स अदा करने के वादे पर एक फरमान अमन हासिल करके वापस हुआ वफद फरमान हासिल करके वापस हुआ तो असकफ और आला सरदार उसके इस्तबाल के लिए बहुत दूर तक आए फरमान रास्ते ही में असकफ़ को पेश कर दिया और उसे चलते चलते पढ़ने लगा उसका चचेरा भाई बशर बिन माविया भी फरमान की तरफ इस दर्जे मतव हुआ कि ऊँटनी से गिर पड़ा इसकी ज़बान से निकला बुरा हुआ उस शख़्स का जिसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ गए हैं जाहिर है उसका इशारा किधर था असकफ़ ने सख्ती से कहा यह क्या कह रहे हो खुदा की कसम वो तो नबी ये मुरसल है अब बशर के दिल में इनकब आ गया और उसने अज़म ज़ाहिर किया कि अच्छा तो अब खुदा की कसम मैं नाक़े का पालान उसकी बारगाह में जाकर ही उतारूँगा अश्कफ़ उसके पीछे पीछे ऊँटनी दौड़ाता हुआ पुकारता रहा कि मेरी बात तो सुनो मेरा मुद्दा तो समझो मैंने किसी मसलहत से वो फिक्रा कह दिया था बशर ने एक ना सुने और कहा कि तुम्हारे जहन से इतनी बड़ी गलत बात निकल ही नहीं सकती अपनी धुन का पक्का बशर मोहसिन इंसान की खिदमत में जाकर इस्लाम लाया और वहीं मुक़ीम हो गया और खुद ताली ने उसको मरतबे शहादत नसीब किया इससे मिलता जुलता वाक़ करस बिन अल्कम के नाम से भी मशकूर है रज़ाल्ल्ला तू वफ्त मकामी सरदारों समेत वापस पहुंचा तो वहाँ की एक और तारिक दुनिया राहब के कानों में सारे हालात वाक़ात की भनक पड़ गई और उसे मालूम हुआ कि एक नबी ऐसा ऐसा उठा है ये भी वालिना जज्बे से सरशार होकर मदीने को रवाना हो गए एक प्याला एक असा एक चादर हुज़ूर उदूर अकम की खिदमत में बतौर तोहफा पेश करके अपनी मुहब्बत वीदत का इज़हार किया फिर मदीने में कुछ अरसा ठहर कर इस्लाम के निज़ाम फ़िक्र अमल की तालीम हासिल की और हजूर अक्रमलम से इजाजत लेकर वापसी का वादा करके नजरान गया लेकिन हजूर अक्रमलम ले की ज़िंदगी में वापस पहुँच ना सका कुछ मदत बाद नजरान का असकफ़ अबुल हारिस जो शाह पस्तुन्तनिया की निगाह में बहुत मोहतरम था और ईसाइयों में उसकी कराम के चर्चे रहते थे फिर एक वफ्द लेकर मदीना पहुँचा जिसमें इलाक़े का ईसाई मुफ्ती व हज इमाम नीस अब्दुलमसी आक़िब और चौबीस दूसरे अकाब शामिल थे वाज़िर के असकफ़ दरहीकत अब्बकर बिन वाइल का एक अरबी फ़र्द था मगर नसरा नेत में दाखिल होकर उसने इल्म और इबादत के लिहाज से इतनी तरक्की की कि खुद ईसाइयों का महत्मद तरीन पेशवा बन गया था ये लोग चंद रोज़ मदीने में मुक्म रहे उनकी मस्जिद नबी में अपने मजहब के मुताबिक अदा नमाज से साहबा ने रोका लेकिन हजूर रकम ने इजाज़त दी उनके आमद पर मकामी यहूदियों ने भी बड़ी सरगर्मी दिखाई और बीच में दखलानंदाज होकर हो मुख्तलिफ़ें उठाई अकैदे तसलीस और मसीह असलात वसलाम की हैसियत तो जरब ऐसा ही थी और कुरान ने इन मसाइल वफ़ को रोशनी बहम पहुँचाई इसी के साथ साथ यहू ने यह शूशा उठा लिया कि हुजूर रकम सासल खुद ही साल सलातम की जगह लेकर अपनी परस्तिश कराना चाहते हैं उसका जवाब भी अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर रकम सासलम ने दिया कि कोई शख्स जिसे अल्लाह ने किताब हुक्म और नबूत से सरफराज किया हो लोगों से कहने का मजाज नहीं है कि मेरे बंदे बन जाओ फिर यहूद और अहले वफ़ के दरमियान ये बहसब चली कि इब्राहीम सलाम किस मजहब पर थे एक फ़रीक़ कहता ईसाई थे दूसरे फरीक़ का दावा था यहूदी थे बिल्ला कलाम इलाही ने उसकी तरदीद बड़े सादा और गैर मुनाजराना तरीक़े से कर दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ना क्यों उलझते हो तौरात तो और इंजील दोनों ही उनके बाद नाजिल हुई जिससे यहूदीत और नसरानियत का सिलसिला था वो ना तो यहूदी थे ना न नसरानी बल्कि पूरे खलूस के साथ मुस्लिम थे और वह मशरक़ों में कभी शामिल न थे इब्राहीम सलाम के तरीक़े पर सही मानों में कारबंद हैं तो नबी और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं खुद हज़रत ईसा सलाम के मकाम को वाजे किया कि ईसा की मिसाल खुदा के नज़दीक आदमत वसलाम की तरह है बहकाफ़ नाजनी गिरामी जिस तरह आपके दौर में यहूदियों के साथ ईसाियों को किस किस अंदाज़ में दावत पहुँचाई गई किस तरह वफदाए सारा सिलसिला चल रहा है मजीद ये सिलसिला चलता रहेगा मुझे यहाँ पर ही जा सकते हो